और आइए इस वक्त सीधे रुख करेंगे मध्य प्रदेश के छतरपुर का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बेटों को रास्ते न मिले, रोड न मिले, ऐसी जिंदगी पसंद करेंगे क्या? अस्पताल न मिले, डॉक्टर न मिले, ऐसी जिंदगी पसंद करेंगे क्या? भ्रष्टाचार के बिना एक कदम आगे न बढ़े, ऐसी जिंदगी पसंद करेंगे क्या? अगर आप उसी जिंदगी दोबारा नहीं चाहते हैं तो मध्य प्रदेश ने, छतरपुर ने, पन्ना ने, हर किसी ने ये फैसला कर लेना होगा कि हम, हमारे मां बाप ने गलती की होगी, हमने गलती की होगी 55 साल, लेकिन अब अपने बच्चों के भविष्य के लिए दोबारा कांग्रेस के ओर लाने की गलती कतई नहीं करेंगे। आप मेरी बात से सहमत हैं? दोनों मुट्ठी बंद करके मुझे जवाब दीजिए, सहमत हैं? सहमत हैं? भाइयों बहनों, आज मध्य प्रदेश जहां पहुंचा है, अब एक बहुत बड़ा जंप लगाने की उसमें ताकत आ गई है। 15 साल मुसीबतों से मध्य प्रदेश को बाहर निकालने में गए, अब सच्चे अर्थ में बहुत तेजी से आगे बढ़ने का अवसर आया है। ये मौका जाने मत देना, वरना वो 55 साल वाली पुरानी कहानी मध्य प्रदेश में दोहराई जाएगी। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं, अब सिंचाई का काम देख लीजिए। मुझे तो पूरा पता है, जब भी बुंदेलखंड की बात आएगी तो पानी की चर्चा सबसे पहले आएगी, छतरपुर की बात आएगी पानी की चर्चा पहले आएगी। और मैं जब उस समय संगठन में प्रवास करता था तो मुझे यहां बता दिया जाता था, कभी रात को रुकता था तो बोले साहब जल्दी सुबह जरा उठ जाना पड़ेगा, क्योंकि पानी आने में दिक्कत होती थी, एकाध पर जब बाल्टी पानी मिलेगा नहाने के लिए, और मुझे उस प्रकार से करना पड़ता था, क्योंकि वो कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, नहाने के लिए पानी पाना भी दिक्कत के दिन थे। वो मैं खुद जब संगठन का काम करने के लिए आया था तब अनुभव करता था। भाइयों बहनों, आज सिंचाई के क्षेत्र में अनेक काम हमारी तरफ से हो रहे हैं। आप मुझे कहिए, ये बरियापुर डैम, इसको किसने लटका के रखा था? बरियापुर डैम इतने साल तक किसने लटका के रखा था? बरियापुर डैम का काम किसने पूरा नहीं होने दिया था? आपको बिना पानी तरसा किसने रखा था? भाइयों बहनों, ऐसी कांग्रेस को माफ करेंगे क्या? ये शिवराज जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई कि आपका ये बरियापुर डैम पूरा काम हुआ और किसानों तक को पानी पहुंचाने का काम हुआ। भाइयों बहनों, दिल्ली में हमारी सरकार बनने के बाद हमने मध्य प्रदेश में 14 ऐसी योजनाएं खोज के निकाली जो कांग्रेस की कार्यशैली का जीता जागता नमूना था। सालों से आधी अधूरी पड़ी, आधे पैसे डूब गए, आधे पैसे खा गए, काम अधूरे रहे, कॉन्ट्रैक्टर से झगड़े हो गए और रुपये बांटने के खेल में सब लटका पड़ा था। हमने मध्य प्रदेश में से खोज खोर करके 14 बड़ी योजनाएं निकाली और आज लाखों हेक्टर धरती को पानी पहुंच रहा है। 14 में से 10 योजना पूरी करके हमने पानी पहुंचाने का काम कर दिया। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से पूरे देश में करीब करीब 30 लाख हेक्टर धरती को सिंचित करने का एक प्रयास, और उसमें 1.5 लाख हेक्टर धरती तो
ये मेरे मध्य प्रदेश के किसानों की धरती है जहां पानी पहुंचाने का काम किया है और मेरा किसान, मेरा छतरपुर का नागरिक, उसको अगर एक बार पानी मिल जाए तो मिट्टी में से सोना पैदा करने की ताकत रखता है भाई। वो पानी में अपना पसीना बहाने को तैयार है और पसीने से, पानी में से एक नई ऊर्जा पैदा करने की ताकत रखता है। ये मेरा छतरपुर का किसान है और उसके लिए हमने इस काम को आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, हमारी छत्रसाल यूनिवर्सिटी, इस इलाके के नौजवान छत्रसाल यूनिवर्सिटी से नाम आज गर्व करते हैं कि नहीं करते हैं? ये छत्रसाल यूनिवर्सिटी आज मध्य प्रदेश में नाम कमा रही है कि नहीं कमा रही है? ये शिवराज जी कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, ये कांग्रेस के बस का रोग नहीं है भैया। ये राजा महाराजाओं का काम नहीं है, ये तो जनता जनता के दिलों पर जो बैठा है ना, जनता के लिए जीता है, वो ही कर सकता है। भाइयों बहनों, हमारे इस इलाके में छोटे बड़े तालाब कांग्रेस के जमाने में जो जिनकी बड़ी पहुंच थी, तालाबों को भी कब्जा कर करके बैठ गए थे, मालिक बन के बैठ गए थे। ये शिवराज जी ने तालाबों को खाली करवाया, गैरकानूनी कब्जेदारों को निकाला, तालाबों को फिर से जिंदा करने का प्रयास किया और पानी पहुंचाने के लिए उन अतिक्रमण को हटाने के साथ तालाबों को जिंदा करना, नए तालाब बनाना, बरसात के बूंद बूंद को बचाना, इसका एक बड़ा अभियान आज शिवराज जी के द्वारा संभव हुआ है जो यहां की पानी की समस्या को दूर करेगा। भाइयों बहनों, यह हमारा मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश एक ऐसी भौगोलिक जगह पर है जो देश भर के यात्रियों को आकर्षित करने का बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। कहीं पर भी कोई आता जाता है तो उसका मन कर सकता है कि मध्य प्रदेश में कोई देख करके जाऊं, आते जाते खर्चे में वो काम हो जाएगा। और हमारे इस इलाके में तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत संभावनाएं हैं। जिस धरती पर खाजुराहो हो, जिस धरती पर पन्ना का अभयारण्य हो, वहां टूरिज्म के लिए कितनी बड़ी शक्ति हो सकती है भाइयों बहनों, उसको बल देने की दिशा हम कर रहे हैं। और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है, कम से कम पूंजी लगा करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला काम टूरिज्म में होता है। टूरिज्म जब होता है, टूरिस्ट बाहर से आते हैं, छोटे मोटे गेस्ट हाउस वाले कमाते हैं, टैक्सी वाला कमाता है, मिठाई बेचने वाला कमाता है, खिलौने बेचने वाला कमाता है, फल फूल बेचने वाला कमाता है, मंदिर का पूजा का सामान बेचने वाला कमाता है, टैक्सी वाला ऑटो वाला कमाता है, चाय वाला भी कमाता है। और इसलिए भाइयों बहनों, कम से कम पूंजी निवेश से ज्यादा रोजगार की संभावनाएं इस क्षेत्र में है। और इसलिए, और जब हमारा ये खाजुराहो, ताजमहल और अजंता एलोरा की तरह देश के 12 प्रमुख स्थानों में उसका स्थान है, भारत सरकार ने इस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई है, ऐसे थीम बेस्ड टूरिस्ट को डेवलप करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए लागत लगने वाली है। आप कल्पना कर सकते हो, जब टूरिज्म बढ़ेगा तो यहां कितना लाभ होगा। भाइयों बहनों, हमारे देश में हम टेक्नोलॉजी का बढ़ावा देने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी
ये बड़े बड़े अमीरों के घर का खेल नहीं है, ये टेक्नोलॉजी गरीब के गरीब हाथ में जो मोबाइल फोन है ना, उसके अंदर वो ताकत देने का काम हम कर रहे हैं, एम्पावरमेंट का बड़ा हथियार बना रहे हैं। हमने 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर खड़े किए हैं, देश में 2.5 लाख पंचायतें हैं, 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर खड़े किए हैं और सरकार की सारी योजनाएं टेक्नोलॉजी के माध्यम से गांव का आदमी अपने गांव में ही ये कॉमन सर्विस सेंटर से प्राप्त कर सकता है। अब उसको रेलवे का रिजर्वेशन करना है तो अपने गांव से रेलवे के बड़े स्टेशन पर जाने की जरूरत नहीं है, वो कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर के अपना रेलवे का टिकट बुक करा सकता है और कर सकता है कब जाना है, उसका जाना आने का समय और पैसा बच जाता है। उसको सरकारी दफ्तर में फॉर्म लेने के लिए नहीं जाना पड़ता है, उसको वो कॉमन सर्विस सेंटर पे फॉर्म मिल जाता है। उसको फॉर्म देने के लिए सरकारी दफ्तर तक 215 रुपया खर्च करके, किराया खर्च करके नहीं जाना पड़ता है, वो अपना फॉर्म वहीं दे सकता है। अगर किसान को अपना इंश्योरेंस निकालना है तो उसका एप्लीकेशन उसको वहीं से मिल जाता है। ये कॉमन सर्विस सेंटर और उसके अंदर, और जब कांग्रेस की सरकार थी तब देश में करीब करीब 70-80 हजार कॉमन सर्विस सेंटर थे, हमने आकर के 4 साल के भीतर भीतर 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर बना दिए और करीब करीब 10 लाख नौजवानों को सिर्फ कॉमन सर्विस सेंटर में रोजगार मिल गया। और इसमें बेटियों को भी अपने ही गांव में कॉमन सर्विस सेंटर चलाने का मौका मिला है। हजारों की तादाद में 10वीं 12वीं पढ़ी हुई मेरी बेटियां भी आज कॉमन सर्विस सेंटर चला करके रोजी रोटी भी कमा रही हैं और गांव की सेवा भी कर रही है। ये काम हमने कर दिया है। भाइयों बहनों, हमारी कोशिश ये है कि हमारा देश का नौजवान, और ये बात निश्चित है, मेरा देश का नौजवान स्वाभिमान की जिंदगी भी चाहता है, मेरा देश का नौजवान किसी कृपा पर, किसी की मेहरबानी पर गुजारा करना नहीं चाहता है। सरकार मां बाप ये राजाशाही परंपरा लोकशाही में नहीं चल सकती। यहां तो मेरे देश का नौजवान वो मेरा भी मालिक है, मेरी सरकार का भी मालिक है। 125 करोड़ देशवासी हमारे हाई कमांड है, ये रिमोट कंट्रोल वाली सरकार नहीं है, कोई मैडम घर में बैठ करके रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाए, ये तो 125 करोड़ देशवासियों के हाई कमांड के इरादे से चलने वाली सरकार है भाइयों बहनों। और इसलिए रोजगार, आज देश का नौजवान अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना चाहता है, अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहता है। वो रोजगार पाने वाले लेने वाले से बजाय रोजगार देने वाला बनना चाहता है। जो लोग राजाशाही मानसिकता में पले बड़े हैं, सोने के चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, राजघरानों के सिवाय कुछ देखा नहीं है, उनके लिए सरकार ये देगी, सरकार वो दोगी, और लोगों को सरकार पर निर्भर रखना, उसी के भरोसे जीने के लिए मजबूर करना, ये उनकी राजाशाही जमाने की आदत देश आजाद होने के बाद भी इस परिवार की बनी रही। हमने उस सोच को बदला है, हम देश के नौजवान को अपने पैरों पर खड़ा रखने के लिए ताकत देना चाहते हैं, एम्पावरमेंट कर देना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, उसके इरादों को और मजबूती देना चाहते हैं। और इसके लिए हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाए, बैंक के दरवाजे हमने देश के नौजवानों के लिए खोल दिए,
जिसके पास सपने हैं, जिसके पास संकल्प है, जिसके पास सामर्थ्य है, जिसके पास नेक इरादे हैं, ऐसे करोड़ों मेरे नौजवान अपने पैरों पर खड़े रह करके रोजगार देने का इरादा रखते हैं। और इसलिए हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाए। ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हमने बैंकों से कह दिया, ये बड़े बड़े लोग तो बैंकों को लूट लेते हैं। पुरानी सरकार का एक टेलीफोन आता था और आप बैंकों की तिजोरी खोल देते थे। देश में 50 साल में बैंकों ने जितना पैसा दिया, उतना ही पैसा 2006 से 2014 8 साल में ये मैडम की सरकार के समय बैंकों की तिजोरी खोल करके ये बड़े बड़े धनपतियों को दे दिया गया। तिजोरी खाली कर दी बैंकों की, लुटा दिया पैसे, बैंकों को डुबा दिया। बहुत बड़ा पाप किया इन लोगों ने। हमने कहा हम बैंकों के दरवाजे खोलेंगे, लेकिन ये धन्ना सेठों के लिए नहीं, मेरे देश के नौजवान के लिए खोलेंगे। बिना गारंटी, बिना गारंटी लोन देंगे। और हमने बिना गारंटी 1-1 करोड़ रुपए तक के लोन की योजना बनाई। और मुझे खुशी है इतने कम समय में 14.5 करोड़। आप विचार कीजिए, हिंदुस्तान में कुल परिवार है 25-26 करोड़, भारत में 125 करोड़ जनसंख्या, लेकिन परिवार 25-26 करोड़, उसमें से 14.5 करोड़ लोन स्वीकृत होना, ये अपने आप में हिंदुस्तान के कितने परिवारों तक ये रुपया पहुंचा होगा, कितने परिवारों के कोटि कोटि नौजवान अपने पैरों पर खड़े हुए होंगे। और वो तो अपने पैरों पर खड़े हुए, लेकिन किसी ने सैलून चालू किया, किसी टेलरिंग का काम शुरू किया, कोई ऑटो ले आया, कोई टैक्सी लेके आ गया, किसी ने गेस्ट हाउस बना दिया, किसी ने ट्यूशन क्लास शुरू कर दिए, अलग अलग काम शुरू किए उन पैसों से। और खुद ने तो अपने पैरों पर कमाई शुरू की, 2-4 लोगों को और भी रोजगार देने का काम उस नौजवान ने किया है। देश में रोजगार कैसे बढ़ते हैं, वो राजा साहिब मानसिकता में सोने के चम्मच लेकर के पैदा हुए लोगों के दिमाग कंफ्यूज है। जिनका दिमाग कंफ्यूज है उनको समझ नहीं आता है, उनका दिमाग कंफ्यूज है और उनकी पार्टी फ्यूज है। और इसलिए भाइयों बहनों, और अकेले मध्य प्रदेश में 1 करोड़ मुद्रा योजना के लोन स्वीकृत हुए हैं। ये नौजवानों ने मध्य प्रदेश में खुद के पैरों पर तो कमाया है, औरों को भी कमाकर देने का काम उन्होंने किया है। लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में न उनकी 4 पीढ़ी ने काम क्या किया इसका हिसाब देने को तैयार है। 55 साल मध्य प्रदेश में राज किया, क्या काम किया न उसका हिसाब देने को तैयार है। शिवराज की सरकार ने क्या काम किया उसकी चर्चा करने को तैयार नहीं है। मोदी ने आपकी 4 पीढ़ी चाय भी लेके 4 साल, आपकी 4 पीढ़ी और 4 चाय वाले के 4 साल, हम देश को कहां से कहां पहुंचा गए उसकी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। और आपने देखा होगा मोहल्ले में भी जब लड़ाई होती है, पानी का झगड़ा हो जाए, कूड़े कचड़े का झगड़ा हो जाए, और जब कोई उसके पक्ष में सत्य ना हो, उसके पक्ष में
न्याय न हो तो लड़ाई के अंदर वो फिर सीधा मुद्दे छोड़ करके तेरी मां मेरी मां पर आ जाता है। जब मुद्दे नहीं होते हैं, दारिद्र्य होता है, कुसंस्कार भरे पड़े होते हैं, अहंकार सातवें आसमान पर पहुंचा होता है, तब जाकर के किसी की मां को गाली देने की हिम्मत आती है। भाई आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आजादी के इतने साल जिन्होंने राज किया, उस पार्टी के जिम्मेवार लोग मोदी के साथ भिड़ने के बजाय मोदी पर हमला बनने के उनके सारे शस्त्र नाकाम हो गए, तो अब मोदी की मां को गाली दे रहे हैं। मोदी की मां को बदनाम कर रहे हैं। जिस मां को राजनीति का रह मालूम नहीं है, जो मां अपनी पूजा पाठ घर में अपने भगवान के स्मरण में समय बिता रही है, उस मां को राजनीति में घसीट के लाए कांग्रेस के लोग। मोदी से मुकाबला करने की आपकी ताकत नहीं है। पिछले 17-18 साल से सीना तान करके आपको एक एक मौके पर चुनौती देता आया हूं और आपको पराजित करके आया हूं, और आप यहां तक पहुंच गए। मां को घसीट के ले आते हैं। अरे यहां भी चुनाव लड़ने वाले लोग भी एक दूसरे की मां की चर्चा नहीं करते होंगे। करते हैं क्या? करते हैं क्या? क्या कांग्रेस को शोभा देता है? क्या उनके नेता को शोभा देता है? क्या मैं सभी माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, इस प्रकार की भाषा बोलने वाले और किसी मां को अंदर घसीटने वाले लोगों को जड़बा तोड़ जवाब माताओं बहनों ने देना चाहिए, ताकि कभी किसी मां को बीच में लाने की हिम्मत ना करे। और कांग्रेस वाले ये समझते हैं क्या कि मोदी की मां को गाली देने से उनकी जमानत बच जाएगी? भाई बच पाएगी? बच पाएगी? और मैं तो हैरान हूं, वो सिर्फ मोदी को नहीं, हमारे शिवराज जी को भी न जाने क्या क्या गालियां देते हैं। वो तो नामदार है, हम कामदार है, और नामदार को तो किसी को भी गाली देने का हक होता है जी। नामदार को कोई टेलीफोन आ जाए, बात करने में लंबी बात चल जाए और रखी हुई चाय ठंडी हो जाए, तो भी नामदार गाली कामदार को देता है कि चाय ठंडी क्यों लाया। अरे भाई नामदार, तुम टेलीफोन पर बैठे थे, उसमें चाय ठंडी हो गई, लेकिन गाली कामदार को पड़ती है। पाप नामदार करते हैं, गुनाह नामदार करते हैं, गाली हम कामदार खाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, यह नामदार की मानसिकता होती है। मैं हैरान हूं। अरे शिवराज जी के सैकड़ा मुद्दों पर लड़ाई लड़ो ना, और उनको परेशानी है। मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा शिवराज जी को मामा क्यों कहता है? हर कोई किसी के मुंह से मामा क्यों निकलता है? अरे जिसके दिल के अंदर दो दो मां का प्यार भरा होता है, वो ही तो मामा होता है। लेकिन कांग्रेस के राजा महाराजा नामदार नींबू की माला पहन करके सारे
पुरातन इतिहास कथाएं लोक कथाएं उसमें से उनके जितने भी मामा जानकार है, क्योंकि लोग अपने अपनों को जानते हैं, जो उनके हैं उनको वो जानते हैं, जो हमारे हैं उनको हम जानते हैं, ऐसे ऐसे मामाओं का नाम निकाला और शिवराज जी को मामा कहते हैं तो उन्होंने द्वापर युग के कंस मामा को याद कर दिया, उन्होंने शकुनी मामा को याद कर दिया। अरे राजे महाराजे, अरे नामदार, आप शिवराज जी को मामा लोग कहते हैं उससे परेशान है और ऐसे ऐसे मामा को याद करते हो, अच्छा होता अगर आप क्वत्रोची मामा को भी जरा याद कर लेते, जिसके लिए आपने घर के दरवाजे खोल के रखे थे, जिन्होंने आपके लिए आपने हिंदुस्तान के सुरक्षा के धन को लुटाने के परमिट दे दिए थे, बोफोर्स का कांड कर दिया था, वो आपके मामा क्वत्रोची याद क्यों नहीं आए? आप मामा शिवराज जी को गाली देने से पहले जरा आपके मामा को भी तो याद कर लो, जो मामा क्वत्रोची और दूसरे मामा अंडरसन, बताइए मामा अंडरसन भोपाल गैस कांड के गुनहगार और ये नामदार के पिताजी की सरकार थी, स्पेशल हवाई जहाज में उनको अमेरिका पहुंचा दिया गया था, भोपाल में गैस पीड़ित उस हजारों लोगों को मौत के गुनहगार उसको चोरी छुपी से पहुंचा दिया था, अच्छा होता वो मामा अंडरसन भी तो आपको याद आता। अरे मामा क्वत्रोची और मामा अंडरसन जिसने देश को लूटा, भोपाल की जनता को मौत के घाट उतार दिया और आप मामा शिवराज को गाली दे रहे हो? जितनी गाली मामा शिवराज को दोगे इतना ही जवाब ये भांजा और भांजिया देने वाले हैं। भाइयों बहनों, मैं आज जब आपके पास आया हूं तब ये कांग्रेस पार्टी न उसकी नीयत बदली है, न उसके इरादे बदले हैं, न उसकी आदत बदली है, क्योंकि कुछ बुराइयां उनकी रगों में लहू की तरह समा गई है। भ्रष्टाचार ये कांग्रेस का शिष्टाचार है, भ्रष्टाचार ये कांग्रेस के संस्कार बन गए हैं, और इसलिए भाइयों बहनों, जिस दल के संस्कार ही भ्रष्टाचार हो, जिस दल का शिष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो, कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार ये लाइफलाइन है, कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार ये उनकी स्टाइल है, और इसलिए ऐसी कांग्रेस को किसी भी हालत में भाइयों बहनों प्रवेश नहीं देना है। आखिर इन लोगों को मेरे से परेशानी क्या है भाई? उनको परेशानी यह है कि चार चार पीढ़ी ने राज किया और आज ये मोदी की ताकत देखिए, नोटों की हेरा फेरी में जमानत पर जिंदगी गुजारनी पड़ी है, जमानत पर जिंदगी, ऐसे तिल मिलाए हैं कि मोदी मिल जाए तो पता नहीं उसके क्या कर डाले वो। हम चार चार पीढ़ी तक राज किया और एक चाय वाला समझता क्या है? हमें जमानत लेने के लिए मजबूर किया? ये आपके पापों का ये भी तो पहला पन्ना खुला है, सारी किताब खुलना बाकी है और बच नहीं सकते। मोदी है तब तक लिख करके रखिए, देश को लूटने वाले, देश के गरीबों को लूटने वाले को
पाई पाई वापस देना ही पड़ेगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। भाइयों बहनों, इन लोगों को परेशानी इसलिए है कि इस देश में नोटबंदी के पहले ऐसी ऐसी कंपनियां बनाई थी, एक 8x8 का कमरा, आप सोचिए 8x8 का कमरा, दो गाड़ी खड़ी रह सके इतना छोटा कमरा, ऐसे कमरे में 200-200, 400-400 कंपनियों का एड्रेस था, 200-200, 400-400, और उस कंपनियों के बैंक में खाते थे, कारोबार नहीं था, रुपया इधर से आता था, रंग बदलता था, काला सफेद होता था, उधर जाता था, उधर से उधर जाता था, और रुपयों के चक्कर चलते थे, चोरों की लूट चलती रहती थी। भाइयों बहनों, ये मोदी ने ऐसी 3 लाख कंपनियों को ताले मार दिए, 3 लाख कंपनियों को। आप मुझे बताइए, ये 3 लाख कंपनियों के ताले लगे हैं, 50-55 साल तक कांग्रेस की राज में ये पले पोषे गए लोग, ये लोग मुझसे नाराज होंगे कि नहीं होंगे, मुझे गाली देंगे कि नहीं देंगे, मेरे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे कि नहीं करेंगे। 1.5 लाख ऐसे संस्थान जो सवालिया निशान के तरह हमारे सामने उभर करके आए, ऐसे 1.5 लाख संस्थानों पर हमने कदम उठाए, हिसाब मांगा, जवाब मांगा, ये तिल मिलाए। 55 साल तक हमें किसी ने पूछा नहीं, अरे नामदार हमारे साथ थे, तुम कौन कामदार होते हो हमारा हिसाब मांगने वाले, चिल्ला उठे। भाइयों बहनों, उनकी मुसीबत ये है। आप हैरान होंगे भाइयों बहनों, अभी आपने खबर पढ़ी होगी, सरकार ने काले धन वालों पर, सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अकेले ने 30,000 करोड़ रुपया, ये छोटा आंकड़ा नहीं है भाई, 30,000 करोड़ रुपया इन लोगों की चोरी पकड़ी जा चुकी है। भाइयों बहनों, क्या ये चोरी करने वाले मोदी को पसंद करेंगे क्या? चोरी करने वाले मोदी को पसंद करेंगे क्या? इतना ही नहीं भाइयों बहनों, जिन्होंने रुपये उठाए मारे गए, और अब सरकार को बैंकों को पैसा देने नहीं चाहते, कुछ लोग भागे भागे फिरते हैं, अब तक ये बातें ये बताने को तैयार नहीं है, अब तक 35,000 से 40,000 करोड़ रुपया उनका भी जब्त करके रखा है। अरे विदेशों में उनकी जो संपत्ति थी उसको जब्त करने का भी कानून हमने बनाया और उसे भी जब्त कर लिया है। भाइयों बहनों, कोई बचने वाला नहीं है, और इसलिए इनको परेशानी हो रही है, फर्जी कंपनियों के कारण परेशानी हो रही है। भाइयों बहनों, मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो विकास के मंत्र को लेकर के चल रही है, भ्रष्टाचार को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए 55 साल पुरानी बीमारी है उसको मिटाने के लिए मैंने बीड़ा उठाया है। मुझे मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बना करके दीजिए, मध्य प्रदेश में सफाई करने की मेरी सुविधा बढ़ जाएगी। भाई आपके पाई पाई का हिसाब आपको मिले, आपको पल पल का हिसाब मिले, आपके सपनों का छतरपुर बने, आपके सपनों का मध्य प्रदेश बने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आप विजयी बनाइए। भाइयों बहनों, आयुष्मान भारत योजना कोई कल्पना कर सकता है? कोई गरीब परिवार अगर बीमार हो जाता है ना, मध्यम वर्ग का परिवार होगा, घर में बीमारी आ जाए तो पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है, लाखों के कर्ज में डूब जाता है। भाइयों बहनों, क्या आजादी के इतने सालों के बाद क्या मैं मेरे देश के वासियों को उनके नसीब पे छोड़ सकता हूं क्या?
क्या मुझे उनकी चिंता करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? और इसलिए हम आयुष्मान भारत योजना लाए हैं। अमेरिका की जितनी जनसंख्या है, कनाडा की जितनी जनसंख्या है, मेक्सिको की जितनी जनसंख्या है, इन तीनों देशों की जनसंख्या मिला दे उससे भी ज्यादा लोगों को हिंदुस्तान में आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। तो आप प्रधानमंत्री को सुन रहे थे। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के छतरपुर में प्रधानमंत्री ने जमकर निशाना साधा कांग्रेस पार्टी पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।